हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो मेरी आवाज़ से आपको पता चल ही गया होगा कि हम रात को काफ़ी लेट हुए हैं और अभी उठे थे तो ब्रेकफास्ट वगैरह किया है, सफाई की है घर की, बच्चों को तैयार करके उनके बड़े डैड आए थे वो लेकर गए हैं, तो अभी हम बनाने लगे हैं आलू कीमा। मैं तो नहीं बनाऊँगी, यासिर ही बनाएंगे। तो चले आए, मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू की माँ मेरे हस्बैंड कैसे बनाएंगे। उन्होंने नेट से ही देखा है, तो मेरी हालत देखें, मेरे बाल देखें। तो चले ठीक है, ओके, आए देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो ये देखिए, आज हम बना रहे हैं आलू की माँ। मैं तो नहीं बना रही, यासिर ही बना रहे हैं, क्योंकि मेरे से कुकिंग अच्छी नहीं होती। तो ये यासिर ने कीमा चॉप करके रखा, चॉप करके लाए थे कीमा, ऐसे ही मतलब कीमा लाए थे उधर से। तो ये मसाला बनाया मैंने, टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया, प्याज चॉप किए हैं, अदरक लहसुन इसमें चॉप किया हुआ है, और ये आलू है और कीमा। और यासिर दही लेने गए हुए हैं, तो वो दही लाते हैं, तो वैसे ही हम कुकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। तो साथ साथ आपको भी दिखाते हैं हम कि हम कैसे है। तो ये यासिर अच्छा भी आ वीडियो गए हैं, बना ये रही है देख। तू। हाँ, हेलो तो ये देख, फ्रेंड। दही लेने गए थे दही तो लेने गया था, दही कम। ये यासिर दही ले आए हैं, तो अभी हम कुकिंग स्टार्ट करने लगे हैं। तो फिर आपको साथ साथ दिखाते हैं कि यासिर कुकिंग कैसे बनाएगा। यासिर ने नेट से देखा है, तो अभी यासिर कुकिंग बनाएंगे और मैं आपको अभी साथ अपनी सीख रहा हूँ वीडियो। मैं, बस अभी तैयार होता हूँ, आपको दिखाते हैं। हम तैयार भी होएंगे अभी, तो फिर अभी आपसे शेयर करते हैं। अभी थोड़ा हम खाना वाना बना रहे हैं, खाएंगे, उसके बाद हम रेडी होंगे, तो फिर वो भी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको अपनी गली भी दिखाएंगे। तो चले आए हम, अभी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी बच्चे यासिर कहाँ है कुकिंग कर तुम्हारे? रहे हैं, ये देखिए हमारे घर ही आई है बच्चे। यार एनी, तो दिल कर हेलो। रहा तो है ये इनको एक हमारे ही घर देने को, आए दस हुए हैं दस आज। रुपए ये मेरी बहन के फ्रेंड है, और ये यार। यासिर ने, ये देखिए, आज तो तुमको एक ही देने ये का दिल रखा कर रहा हुआ है, है लेकिन अभी सुबह इतने बाहर से प्याज आना, दस दस ब्राउन रुपए करने दिए। के लिए। मेरी हालत तो बहुत बुरी बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो मेरी हालत बड़ी बुरी बनी हुई है, तभी मैं आज कैमरे के सामने नहीं आ रही, क्योंकि रात के लिए हम उठे रहे हैं, तो उसके बस काम शाम किया है, नाश्ता खाया है, देर से उठे थे, तो अभी कुकिंग करने लग गए हैं। साथ ही कुकिंग कर रही, साथ में खीरे खा रही। प्याज ब्राउन कर रही, आखिर उसमें दाल जलाने आए हैं, मांग रहे हैं। अभी हम रेडी होते हैं, तो वो भी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको अपनी गली भी दिखाएंगे। हमने सोचा पहले कुकिंग वगैरह कर लें, जी जिसने खाने आके खा लो। हमने सोचा पहले कुकिंग का कर लें, देखो सारा मसाला वगैरह बनाया। चलिए, जब तक प्याज ब्राउन हो जाएंगे, या फिर भी आ गए, देखें बाहर गए दस दस थे। की चाट खिला दी है बच्चों को। कह रहे हैं 10-10 की चाट खिला दी है। तो कुकिंग करे, मुझे कुकिंग अच्छी नहीं होती, मेरे हस्बैंड बहुत ही गंदी, बहुत स्पाइसी कुकिंग करते हैं। तो कभी उन्हीं से मैंने बोला कि करो आप, बच्चे गए हुए हैं अपनी दादा लोगों के पास, हम कोई जा नहीं सकते, बच्चों को उनका बड़ा पापा ले गए हैं। तो अभी हम रेडी होंगे, वो भी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी ये यासिर ने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का। ये अभी मसाला
कभी अदरक लहसुन के साथ ही कीमा डालने। ये हड्डी मैंने खुद रखी क्योंकि मुझे हड्डी खाना बहुत पसंद है। मैंने आदित्य को बोला था कि ये हड्डी भी खाना मुझे बहुत मजे की लगती है और टेस्ट भी आ जाता खाने में। कीमा ही है जो मजे की दो हड्डी है जो भी मैंने खुद लगाई है दुकान वाले से। दो मसाला लेते हो? ये मसाला डालने लगे साथ साथ खाना भी चल रहा था। ये हल्दी डाली है, काली मिर्च है और ये गरम मसाला और इसको पता नहीं क्या कहते हैं कद्दर ऐसे कुछ कहते हो ना यानी। और ये है लाल मिर्च और अब डालेंगे नमक। नमक देखो बहुत है कम कर। तो ये है नमक। आप लोग बोलेंगे खुद तो काम कुकिंग करती नहीं है, हस्बैंड खुद करती है, तो मैं वाकई में कुकिंग नहीं करती ज़्यादा क्योंकि मुझे सही कुकिंग करने नहीं आती। तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, बहुत यमी और ज़्यादा यही करते हैं कुकिंग में अच्छी करवाती हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है मुझे और खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। तो ये कितना प्यारा कलर लग रहा है। टमाटर डाल, अभी ये टमाटर डाल रहे हैं। आज इसका डे है तो मैंने सोचा दिल पर खाली कीमा खाने का तो मैंने इनको बोला डाल आलू कीमा लिया तो साथ ही आलू डाल कहते चलो ठीक है जो खाना आपने लिया था। देखिए कितना अच्छा कलर हो गया। अभी हम रेडी होंगे। आपने मेरी हालत तो देख ली और यासिर की भी हालत देखी क्योंकि हम लेट उठे हैं, ब्रेकफास्ट किया तो उसके बाद बच्चे को तैयार करके उसको डाढ़ा लेने आए थे, बड़े डाढ़ा वो लेके गए, फिर घर का काम ही नहीं किया तो फिर अभी खाना बनाने लग गए। मुझे फिर कितना प्यारा कलर लग रहा है, खुशबू कितनी अच्छी आ रही। ऑयल ऊपर आ गया और देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। तो जैसे ही ये रेडी होता है तो फिर हम आपको दिखाते हैं। यासिर कुछ बोलोगे आप? यासिर अभी मेरे रेडी होंगे तो फिर आपको हम दिखाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो होगी, वो इस वीडियो में नहीं होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी जब हम रेडी होंगे, बाहर जाएंगे, आपको सब कुछ दिखाएंगे कि हमने आज अपनी कैसे। ये देखें ये सही तरह भून लिया यासिर ने, अब थोड़ी सी डाल रहे हैं यासिर दही। बस करो जैसे फुल रेडी होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा, काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा आलू कीमा हो गया है रेडी और यासिर गए हैं होटल से रोटियां लेने। तो कमेंट्स में आप लाजमी बताना कि हमारी वीडियो कैसी है,
और काफ़ी यमी है कीमा। और कमेंट्स में बताना कि मेरे हस्बैंड ने कैसा बनाया कीमा। और हमें अपनी दुआओं में याद रखना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना। इसी वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। आ गए हैं रोटी लेके, ये देखें। हम तो सिर्फ दो ही हैं तो इसलिए चार रोटियाँ मंगवाई हैं, तो अभी हम खाने लगे हैं। तो यासिर कुछ बोलोगे? कुछ भी नहीं, अभी खाना खाएंगे। तो बाय बाय तो बोल दो। बाय बाय, बाय बाय। तो ये देखिए अभी हम खाना खाने लगे हैं, जिसने खाना है आज ही खा ले। तो इसी वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ओके, बाय बाय।